बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम दोस्तों जिस जगह पे मौजूद हैं, जिस दरबार पे हम मौजूद हैं, इनका नाम है हज़रत मियाँ मीर सरकार। और इनके बारे में जो हिस्ट्री है वो आपको लाजमी शेयर करूँगा, सारी बीच में बताऊँगा और दिखाऊँगा। तो बाकी अंदर चलते हैं और आपको अंदर चल के बाकी सारा कुछ दिखाते हैं। नाज़रीन, हम अपनी आज की वीडियो में एक मशहूर व मारूफ सूफी बुजुर्ग हज़रत मियाँ मीर कादरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आपको चंद मालूमात मुहैया करेंगे। नाज़रीन, आपका इस्मे मुबारक मीर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह और लकब हज़रत मियाँ मीर है। आपको शाह मीर भी कहते हैं और जियो कलमा तज़ीम है। हज़रत को चूँकि सब अपना साहिब समझते थे और उनकी तज़ीम को लाजम करार देते थे, इसलिए आपको मियाँ जियो भी कहते थे। आपके वालिद का नाम साईं दित्ता बिन काजी कलंदर फारूकी था। आपका सिलसिला नसब 28 वास्तों से हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तक पहुँचता है। आपके वालिद भी साहिब करामत बुजुर्ग थे। जब हज़रत मियाँ जियो या हज़रत मियाँ मीर 7 साल के हुए तो उनके बुजुर्गवार रहलत फरमा गए। हज़रत की वालदा माजदा का इसमें मुबारक बीबी फातमा था। आप काजी कादन के दुख्तर नेक अख्तर थी, जिनका शुमार जमाने के इंतहाई आला उल्मा और फुजला में होता था। उन्होंने तर्को तजरीद इख्तियार करके गोशा नशीनी इख्तियार की और रियाजत मुजाहिदा के बाद वलायत के मरतबे पर पहुँचे। हजरत की वालदा माजदा ने तरीका शुगल अपने वालद बुजुर्गवार से सीखा था। वो अपने वक़्त की राबिया थी। हजरत मियाँ मीर की विलादत बासादत सिंध के शहर सिस्तान में सन 957 हिजरी बमुताबक सन 1550 ईस्वी में हुई। ये शहर ठट्ठा और पत्थर के माबैन वाक़या है, जो आपके आबाओ अजदाद का वतन है। हज़रत मियाँ मीर के 4 भाई और 2 बहनें थीं। भाइयों के नाम काजी बोलन, काजी उस्मान, काजी ताहिर और काजी मोहम्मद थे। आपके सब भाइयों ने हज़रत मियाँ मीर के हाथ पर बैत। इनमें से काजी मोहम्मद तसव्वुफ और वलायत में मरतबा कमाल को पहुँचे, लेकिन वह हज़रत मियाँ मीर की ज़िंदगी में ही फौत हो गए। आपके हमशीरा का नाम बीबी जमाल था। आप और आपके भाई लुत्फुल्ला, जो पैदाइश के चंद ही रोज़ बाद फौत हो गए थे, तमाम पैदा हुए थे। आपके वालिद माजिद चूँकि बचपन ही में, जबकि आपकी उम्र सिर्फ 7 साल की थी, विसाल पा गए, इसलिए आपकी तालीम तरबियत की तमाम तर जिम्मेदारी आपकी वालदा माजदा पर आ गई। आपकी वालदा मोहतरमा ने मुख्तलिफ असातिज़ा के जरिए से आपको दीनी तालीम दिलवाई। फिर आपकी वालदा ने आपको सिलसिला कादरिया में सलूक की तालीम देना शुरू की और थोड़े ही अरसे में आप में तलाश हक का जज्बा पैदा हो गया। आप पर इल्म बातन मुनकशफ होने लगा। इब्तदाई इल्म के हसूल के बाद आपकी वालदा से रुख्सत हासिल करके सियाहत और रियाजत मुजाहिदा की गरज से निकले। पहले आप सिस्तान के पहाड़ में कुतुबुल औलिया और आरफ़े कामल हजरत शेख खिजर खुदसुल्ला ताला, जो सिलसिला कादरिया में यगाना आफाक और तरके तजरीद में यकता थे, की खिदमत में हाजिर हुए। हजरत मियाँ मीर, जिन्हें मियाँ जियो भी कहा जाता था, गौसे वक़्त कहा करते थे कि हज़रत शेख खिजर का तरीका था कि माल दुनिया की हर चीज़ खास ज़कात हो, जिसमें अलायक का शायबा भी हो, कबूल ना करते। मौसम सरमा लोगों से अलग और पुशीदा रहकर कोस्तान में बसर करते। जंगली फल उनकी खुराक थी। लबास ऐसा होता कि जो आपके जिस्म को जानू से नाव तक ढांपता था। सर्दियों के मौसम के लिए उन्होंने तनूर बना रखा था। जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाते, इन्हें जला कर तनूर गर्म कर लेते। रातें तनूर में ही बसर कर शहर का रुख नहीं करते थे। हाँ, मगर साल में 1-2 बार घूमने फिरने के लिए शहर में आते, मगर अल्लाह के सिवाय किसी से आशनाई न रखते थे। कुछ अरसा पीर मुर्शिद की खिदमत में गुजारने के बाद आपके पीर ने आपको खरका खिलाफत अता फरमाया और रुख्सत फरमाया, हदायत फरमाई कि अब उन्हें इजाज़त है कि जहाँ जी चाहे रहें, जहाँ दिल चाहे जाएं। तब आपने वहाँ से लाहौर का रुख किया। लाहौर तशरीफ लाते वक्त आपकी उम्र 25 बरस के लगभग थी। दौरान सफर जिस मंजिल पर पहुंचने और जिस घर में आते, फिर आप वहां से चल पड़ते। लाहौर पहुंचकर मसाजिद में वक्त गुजारने लगे। कुछ अरसा मौलाना सादुल्ला के हल्का दर्स में शामिल हुए, जो अकबर आजम के जमाना के मशहूर उल्मा और फजला में से थे और ज़ाहरी और बातनी इलम से आरास्ता थे। थोड़ी अरसे में हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह उलूम माकूल व मनकूल में दर्जा कमाल को पहुँचे और आपको दूसरे हम मदरसों में से इम्तियाज हासिल हुआ।
अच्छा दोस्तों, यहाँ पे हमारे पीछे ने एक कबर है, हमारे एक जो टीवी आर्टिस्ट है और फिल्म स्टार आर्टिस्ट है मोहम्मद अली, उसकी कबर है। आपको मैंने यहाँ पे दिखाया है कि क्या क्या यहाँ पे माहौल है और क्या चीज़ें हैं। बहुत वसी जगह है यहाँ पे, बहुत खुली जगह है, और यहाँ पे हर जुमेरात के जुमेरात काफ़ी रश होता है। और इसके अंदर एक मस्जिद भी बनी हुई है और जो माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है, और उसमें माशाल्लाह ऐसी ऐसी हर चीज़ बड़ी खूबसूरत लगी हुई है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ से ऊपर जाने का जो दरबार शरीफ में रास्ता है। सलमान भाई इधर को दिखाइएगा ज़रा, ये देखें जी, ये ऊपर जाने का रास्ता है यहाँ से, ठीक है। और ये सारा अंदर सीढ़ियाँ माशाल्लाह मार्बल की बनी हुई है, मार्बल की, और सारा यहाँ पे मार्बल का काम हुआ हुआ है। ये भी इनके मुरीद हैं ना, जिनकी ये कब्र है। और आप ये देख सकते हैं, एक ताजमहल की तरह ये जगह आपको लगेगी, जैसे ताजमहल बादशाह सलामत ने बनवाया था। और ये जो कारागरी है ना, ये है भी बादशाह सलामत साहब के दौर की ही, ये उन्होंने ही इसको बनवाया था। आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत कारागरी है और क्या नक्काशी हुई हुई है यहाँ पे। अब ये देखिए, इस साइड पे भी ऐसे ही इन्होंने सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं ऊपर चलने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं, वो देखें, यहाँ पे गवर्नमेंट मियां मीर हस्पताल भी मौजूद है, ये हस्पताल भी बनाया गया सरकार के नाम के ऊपर ही। और आप ये देखिए, यहाँ से देखें क्या खूबसूरत, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे मियां मीर की मस्जिद है, मियां मीर सरकार की, और बहुत खूबसूरत बनाई गई है। माशाल्लाह अंदर एसी लगे हुए हैं और चिल हुआ हुआ है हर चीज़। तो बाकी आप जगह भी देख सकते हैं, हर जगह पे संगे मरमर लगाया गया हुआ है। नेमतुल्ला कहा करते थे कि हजरत मियां मीर मेरे दरस में रहे, कई साल मैंने इन्हें पढ़ाया और इनकी रहनुमाई की, उन्होंने मेरे तमाम अलूम हासिल किए। एक दिन हजरत मियां मीर, जिनको हजरत मियां जियो रहमतुल्लाह अलैह भी कहा जाता था, मिजार कामरान के बाग के सामने दरिया के किनारे लेटे हुए थे। इनके पाँव में तकलीफ थी, मैं पाँव दबा रहा था, अचानक क्या देखता हूँ कि एक बहुत बड़ा सांप चला आ रहा है। आपने फरमाया इसे आने दो। जो ही वो करीब आया, हजरत उठकर बैठ गए। सांप आपके हजूर में बुलंद होकर बैठ गया और कुछ कहा जिसे मैं न समझ सका। हजरत मियां मीर ने जवाब में फरमाया, खूब ऐसा ही सही। सांप उठा, तीन मरतबा हजरत के गिर्द फिरा और चला गया। मैंने हजरत से दरियाफ्त किया कि सांप ने क्या कहा। आपने फरमाया, सांप ने यह कहा था कि मैंने तहिया किया था कि जब आपको देखूंगा तो आपके गिर्द तवाफ करूंगा, जो अब मैंने किया। जवाब में मैंने कहा, बेहतर ऐसा ही सही। एक मरतबा बादशाह जहांगीर ने आपको बुलाया, आप चले गए। बादशाह जहांगीर ने तुझके जहांगीरी में अपनी मुलाकात को कुछ इस तरह बयान किया है। जब मुझे इलम हुआ कि लाहौर में एक दरवेश मियां मीर नामी सिंध के रहने वाले नहायत फाजल बाबरकत और साहिब हाल बुजुर्ग हैं और तवक्कल और गोशाए उजल को अपना शार बनाए हुए हैं, फिक्र की दौलत के बदौलत दुनिया से दूर हैं, इन औसाफ की बिना पर मेरा दिल उनकी मुलाकात के लिए बेचैन हुआ और उनकी ज्यारत के लिए मैंने अपने दिल में गैर मामूली रगबत पाई। लेकिन मेरे लिए लाहौर जाना मुश्किल था। मैंने खत के जरिए उनकी खिदमत में इश्तियाक मुलाकात जाहिर किया। हजरत बावजूद बुढ़ापे के जहमत फरमा कर तशरीफ लाए और एक तवील अरसा तक खलवत में आपके साथ बैठे। आपकी सोबत से मैं मुस्तफीद हुआ। बिलाशुबा आपकी ज़ात गैर मामूली शर्फ की हामल है और उस जमाने में आपका वजूद सबसे आला था। इन मुलाकातों में मुझे आपसे बहुत से मुआरफ और हकायक सुनने का इत्तेफाक हुआ। मैंने हर चंद चाहा कि आपकी खिदमत में नजर पेश करूं, लेकिन आपके पाया आली को देखते हुए मुझे अपनी इस तमन्ना की इजहार की जुरत न हुई। आखिर मैंने एक सफेद हरम की खाल जाय नमाज के तौर पे आपकी खिदमत में पेश कर दी। शहनशाह शाह जहां भी आपसे बेहद अकीदत रखता था, वो बहसीते एक मुखलस और मोतकिद के दो मरतबा आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। एक दफ़ा जब शाहजहाँ मियां मीर के हुजरे में दाखिल हुए तो उनके हमरा चार आदमी थे। पहली बात जो आपने शाहजहाँ से फरमाई वो ये थी कि आदल बादशाह को अपनी रैयत और सल्तनत की खबरगिरी करनी चाहिए और अपनी तमाम कुव्वतें अपनी ममलकत के आबाद करने में सर्फ करनी चाहिए, क्योंकि अगर रैयत आसूदा हाल और मुल्क आबाद है तो फौज मुतमईन और ख़जाना मामूर होगा। शाहजहाँ आपके इरशादात और शख्सियत से इस कदर मुतासर हुए कि हमेशा कहा करते थे, तर्को तजरीद में मैंने मियां मीर जैसा कोई दरवेश नहीं देखा। नाज़रीन, यहाँ आपकी एक और करामत का जिक्र करना मुनासिब समझता हूँ। एक मर्तबा का जिक्र है कि हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह साहब के पास एक शख्स बड़ी परेशानी के आलम में आया और वो बड़ा बेचैन था। उसने आपकी खिदमत में हाजिर होकर आपसे दुआ के लिए इल्तिजा की।
आपने उसके हक में दुआ फरमाई और इरशाद फरमाया कि नंगे को कपड़े पहनाओ और भूखे को खाना खिलाओ और तमाम मुश्किलात का जामन मैं हूँ। वो शख्स ये फरमान सुनकर वहाँ से चला गया। रास्ते में उसे एक भूखा शख्स मिला। उसने उसे अपनी अंगूठी देते हुए कहा कि खाना खा लेना। थोड़ा सा आगे गया तो उसे चंद नंगे आदमी दिखाई दिए। उनको उसने कपड़े पहना दिए। इसके बाद वो अपने घर की तरफ जा रहा था कि रास्ते में उसे एक आदमी अपने घर की तरफ से आता हुआ नजर आया। उसने सोचा कि शायद ये आदमी बीमार के मरने की खबर लेकर आया, मगर जब इससे मिला तो उसने बीमार के तंदुरुस्त हो जाने के बारे में बताया। चुनाचे वो खुशी खुशी घर पहुंचा और घर जाकर हलवा बनाया और थालों में भर कर नकदी के साथ हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह के खिदमत में हाजिर हुआ। आपने इससे फरमाया, ये हलवा कैसा और ये रकम किस लिए लाए हो? कहने लगा कि कल आपने फरमाया था कि भूखे को खाना खिलाओ और नंगे को कपड़े पहना दो। तुम्हारी हर मुश्किल का जामन मैं हूँ। मैंने आपके फरमान के मुताबिक अमल किया और आपकी दुआ की बरकत से बीमार तंदुरुस्त हो गया, इसलिए ये हलवा और ये नकद हाजिर खिदमत है। आप कबूलियत का शर्फ बख्शें। हज़रत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह ने हलवा कबूल फरमाकर उसी वक्त दरवेशों में तकसीम फरमा दिया और नकद रकम उसे वापस करते हुए फरमाया कि इसको अपनी ज़ात पे खर्च कर लो। ये वाक़या दारुल शिकवा ने अपनी मशहूर किताब सकीनतुल औलिया में दर्ज किया है। कहा जाता है कि एक मरतबा एक शख्स हज़रत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आया और अर्ज़ की कि मेरा बेटा नज़ा की हालत में है, ये उम्मीद लेकर आया हूँ कि आप तवज्जो फरमाएंगे। हजरत ने जब इसकी घबराहट और परेशानी देखी तो उन पर इस्तग़राक की कैफियत तारी हुई। थोड़ी देर बाद इस कैफियत में कुछ कमी वाकया हुई तो आपने पानी का प्याला तलब किया। इस पर दुआ पड़ी और शख्स को दिया कि इसे ले जाए और अपने बेटे को पिला दे। जब वो पानी इसे पिलाया तो उसे शिफा हो। फिर वही शख्स अपने बेटे के हमरा हजरत की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की कि ये 7 साल का हो गया लेकिन गूंगा है, बोल नहीं सकता। हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह ने इस लड़के को फरमाया, कहो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपका ये फरमाना था कि लड़के की जबान खुल गई, इसका गूंगापन जाता रहा, फिर ये भी कि थोड़ी ही मुद्दत में उसने कुरान शरीफ हिफज किया। हजरत ने इस पर यह अनायत भी की कि वजू करते हुए जिस रुमाल से हाथ और मुंह पूंछते वो उसी को दे दिया और फरमाया, जिस वक्त कोई बीमारी तुम्हारे बेटे को लाहक हो ये रुमाल उसके सर पर लपेट देना, खुदा शिफा देगा। इस शख्स ने इस अतिया को अतिया मुकद्दस समझा और रुमाल को सर आंखों पर लगा कर ले लिया। नाजरीन, यही रुमाल आज तक उस नस्ल में मौजूद है और वो इससे फैजयाब हो रहे हैं। नाजरीन इकराम, हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह ने लाहौर में 60 साल गुजारे, बीमार हुए और आखिर सन 1045 हिजरी को आप इस दुनिया से चले गए। विसाल के वक्त आपकी उम्र 88 साल थी। जी तो दोस्तों, आज हम मौजूद थे मियां मीर दरबार, हजरत मियां मीर सरकार के दरबार पे मौजूद थे। तो बाकी आप देख सकते हैं कि कितनी मेहनत होती है। आप मुझे लाजमी सजेस्ट किया करें, जहाँ जहाँ आप मुझे मैसेज करें कि जी फलां जगह पे जाके करें, फलां जगह जाके करें, मैं लाजमी उस जगह को कवर करूँगा और आपको दिखाऊँगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है लाजमी कमेंट्स किया करें, मुझे बताया करें, कहीं कोई गलती हो वो भी लाजमी शेयर किया करें और मुझे बताया करें कि नेक्स्ट मैं व्लॉग कहाँ पर बनाऊँ। बाकी आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन पर लाजमी के क्लिक कीजिएगा। मुबशर भट्ट को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।